दलित उत्पीड़न के मामले में देखा जाए तो न सरकार कुछ कर रही है और न ही पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही है। राह चलते दबंग या स्वर्ण जाति के लोग दलितों पर प्रहार कर देते हैं और उन्हें जाति सूचक शब्द बोलते हैं। न जाने क्या दलित समाज से स्वर्णों में इतना गुस्सा है कि वह बिना बात के उन्हें प्रताड़ित करते रहते हैं। अपने आप को सबसे ऊपर मानने वाले स्वर्ण जाति के लोगों को यह गवारा नहीं है कि दलित समाज के लोग उनके आसपास भी रहें। यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक भी अब सुरक्षित नहीं हैं। जो बच्चों को ज्ञान दे, सही राह पर चलना सिखाए, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो प्रशासन पर सवाल उठाना तो लाजमी है। घटना हिमाचल प्रदेश की है, जहां नालागढ़ के पहाड़ी क्षेत्र राम शहर के लोहार घाट गाँव में एक दलित अध्यापक पर जाति सूचक शब्द कहकर घायल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित अध्यापक ने स्थानीय व्यक्ति पर डंडों से प्रहार और जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित दलित अध्यापक पर हमला उस समय हुआ जब वह स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहा था। उसी समय रास्ते में दीप चंद्र नामक एक व्यक्ति ने पहले तो अध्यापक का रास्ता रोका, इसके बाद उस पर डंडे से प्रहार कर घायल कर दिया। अध्यापक के सिर और पैर पर गंभीर चोट आई है। इस दौरान पीड़ित अध्यापक की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने अध्यापक को दीपचंद्र के चंगुल से छुड़ाया और तुरंत उसे इलाज के लिए रामशहर अस्पताल ले गए, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए नालागढ़ अस्पताल रेफर कर दिया गया। देखा जाए तो दलित वर्ग के लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वह कहीं भी हो स्वर्ण जाति या दबंगों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।